एक सुंदर जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन मांस खाते समय उसके गले में हड्डी फंस जाती है। वह बहुत ही परेशान हो जाता है। भगवान, गले में हड्डी फंस गई रे, कैसे निकालूं? खुद से तो निकलेगी नहीं, किसी की मदद ही लेनी पड़ेगी। भेड़िया जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और ढूंढने लगा कोई तो मिल जाए। तभी उसे एक खरगोश दिखा और बोला, भाई मुझे मदद चाहिए, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, उसे आप निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, आप मुझे खा जाओगे। फिर भेड़िया वहां से उदास होकर चला जाता है। फिर रास्ते में उसे एक बंदर मिलता है। वह बंदर से बोलता है, भाई मेरे गले में हड्डी फंस गई है, आप उसे निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, आप किसी और को ढूंढ लो, जाओ जाओ यहाँ से। फिर बंदर वहां से चला जाता है और भेड़िया भी उदास होकर चला जाता है। भेड़िया चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक सारस बैठा हुआ है। वह उससे बोलता है, नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, अकेले सारी मछलियां नहीं ढूंढ पाओगे, तुम चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ जरूर, तुम भेड़िया बहुत चालाक होते हो, बिना मतलब के मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी चोंच भी बहुत लंबी है, सिर्फ एक परेशानी है, मेरे गले में हड्डी फंस गया है, निकल नहीं रहा है। बस इतनी सी बात, रुको रुको मैं निकाल देता हूँ। सारस अपनी चोंच से हड्डी को निकाल देता है। अब मुझे मछली पकड़ के दो। मूर्ख मछली, अरे मेरे गले से तू जिंदा ही बाहर वापस आ गया, यही भला मान। जा यहाँ से, नहीं तो मैं मार डालूंगा तेरे को। मारे भाग जाता है वहां।